हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस साबुदाना थाली पीठ की रेसिपी। इस रेसिपी को आप फास्ट में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको नाश्ते में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ मैंने एक कप साबुदाना 4 बार धोकर 1 कप पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया है। आप जितना साबुदाना लें उसी कप से नापकर आप पानी का यूज करें। और जब हम इसका दाना दबाकर देखें तो ये अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। तो साबुदाना में हम सबसे पहले डालेंगे उबले हुए 2 बड़े साइज के आलू। आलू को आप कद्दूकस करके ही यूज करें ताकि ये साबुदाने में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल नमक का यूज भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 4 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, 10 से 15 पत्ते कड़ी पत्ते के, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीजों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और जो चीजें हमने इसमें डाली हैं वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और साबुदाने को भी हम हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। और जब आप इसको मिक्स करें तो आप इसमें पानी का यूज बिल्कुल ना करें। साबुदाने को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम साइड पे रखेंगे, और यहाँ पर हम एक बटर पेपर ले लेंगे। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि थाली पीठ इस पे चिपके नहीं। ऑयल को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा, जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा सकते हैं। साबुदाने में से हम थोड़ा सा डो लेंगे, जितना बड़ा आपको साइज बनाना है उसके हिसाब से आप इसमें से डो ले लें, और इसको हम गोल शेप देंगे इस तरह, और इसको हम रखेंगे बटर पेपर पर। इसको हम हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए फैला लेंगे। अगर ये आपसे आराम से नहीं फैल रहा है तो आप इसके ऊपर एक पॉलिथीन या बटर पेपर लगाकर इसको फैला सकते हैं। तो यहाँ पर एक थाली पीठ बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए तवा गर्म करेंगे। तवा यहाँ मैंने लो मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म करके रखा हुआ है। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। जब आप इस पे थाली पीठ डालें तो तवा हमारा हल्का गर्म होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सिक जाए। अब यहाँ हम लेंगे थाली पीठ और इसको हम हल्के हाथों से तवे पर डाल देंगे, और आप चाहें तो इसको स्पून की हेल्प से हल्का हल्का दबा दें। इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक कि ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब ये एक साइड से सिक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे, और थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा साइड में। तो जब आपको लगे कि इसके किनारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं तब आप इसको हल्के हाथों से स्पून की हेल्प से पलट दें। तो देखिए कितना अच्छा सिका है। इनको हल्का सा दबा देंगे। अगर आप इनको लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड चेक कर लेंगे। तो देखिए ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह हम सारे थाली पीठ बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, साबुदाना थाली पीठ बनकर तैयार है।